Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सबसे ताजा सर्वे सामने आया है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने ये सर्वे किया है। इस सर्वे का रिजल्ट देखा जाए तो बीजेपी फिर से सत्ता में आती दिख रही है। एबीपी न्यूज ने इसे फाइनल ओपिनियन पोल करार दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 182 सीटों की गुजरात विधानसभा में बीजेपी 134 से 142 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 28 से 36 सीटें ही मिल सकती है। जीत का बड़ा दावा कर रही आम आदमी पार्टी 7 से 15 सीटें जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। सीएम की पसंद कौन, इस पर गुजरात की जनता ने अपनी अपनी राय दी। गुजरात की 4% जनता ने गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का नाम लिया। गुजरात में सबसे ज्यादा सीएम की पसंद के तौर पर मौजूदा सीएम को देखा जा रहा है। 39% जनता ने भूपेंद्र पटेल का नाम लिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपके सीएम उम्मीदवार इशुदान गढ़वी हैं। 24% ने इनका नाम लिया है। विजय रूपानी, भरत सिंह सोलंकी और अर्जुन मोडवाड़िया को 5%, शक्ति सिंह गोहिल को 4% लोगों ने सीएम के लिए अपनी पसंद बताया है। इसके अलावा एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में जनता ने बताया कि राज्य में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा। सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को असरदार बताया। लोगों की राय में ध्रुवीकरण का मुद्दा दूसरे नंबर पर प्रभावी है। तीसरे स्थान पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यों का मुद्दा बताया गया। राज्य सरकार का काम और आम आदमी पार्टी भी असरदार मुद्दे हैं, लेकिन जनता की नजर में ये एक साथ चौथे नंबर पर है। गुजरात में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर 29 नवंबर की शाम को थम जाएगा। गुजरात में 2 चरण में चुनाव होना है। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को जारी होंगे। एबीपी न्यूज ने बताया कि इस सर्वे में 19,271 लोगों की राय ली गई है। 22 नवंबर से 28 नवंबर तक ये सर्वे किया गया है। न्यूज तक ब्यूरो।